और टिकट ना मिलेगा तो फिर तो एक अलग तरह की सियासी भगदड़ मचेगी। ऐसे ही इतनी भगदड़ मची हुई है, इधर से उधर लोगों का आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। नवीन ठाकुर जी बताइए। देखिए गौरीशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ निश्चित तौर पर दावेदार ज्यादा हैं, लेकिन वो तब तक दावेदार हैं जब तक टिकट की घोषणा नहीं हो जाती। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी टिकट की घोषणा करेगी तो निश्चित तौर पर सब कमल के फूल के पीछे एकजुट होकर और उस उम्मीदवार को जिताएंगे जिसे पार्टी टिकट देगी। और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। हमारी कोर कमेटी की बैठक कल है, उसके बाद पैनल दिल्ली चला जाएगा और निश्चित तौर पर अति शीघ्र ही हमारी उत्तराखंड की जो भी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। लेकिन तय है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत जोर शोर से जो दावेदार हैं सब अपने अपने विधानसभा में लगे हैं, जनता के बीच हैं, और पिछले 5 वर्षों से जो अच्छी मेहनत कर रहे थे पार्टी उन पर जो है विचार करेगी और 3 स्तरीय विचार हमारा होगा प्रदेश से लेकर केंद्र तक, उसके बाद ही जो है टिकटों का फाइनल होगा और अतिशीघ्र ये फाइनल होने वाला है। लगभग 80 से 90% क्या पैरामीटर्स क्या है बीजेपी का, किन लोगों को इस बार टिकट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या पैरामीटर्स है? देखिए गौरीशंकर जी, हमारा जो पैरामीटर है वो कार्यकर्ता है। आपने देखा कि हमने 70 विधानसभा पर राय शुमारी की अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, हमने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ, हमने जो संयोजक थे उनके साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ, सब जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी राय शुमारी में जो जो प्रत्याशी का दावेदारों का नाम दिया वो सब पेटिया प्रदेश कार्यालय में आई, पहले स्तर पर वहां हुई। दूसरे स्तर पर कल हमारी कोर कमेटी की बैठक है, हमारा उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व उसमें बैठने वाला है, वो जो है चयन करेंगे। टीम जो है प्रमुख प्रत्याशी जो नंबर 1, 2, 3 पर होंगे उनका चयन होगा और फिर 30 स्तरीय चुनाव में दिल्ली जो पार्लियामेंट बोर्ड की हमारी बैठक होगी वहां पर अंतिम मोड़ लगेगी और वही सबको मान्य होगा। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर उसके पीछे जो है उम्मीदवार के पीछे जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके पीछे लगकर उसे जिताने का काम करेंगे।